सो हे गाइस, क्या हालचाल। आज आपको बताऊंगा कैसे रियलमी और ओप्पो फोन के अंदर बिना किसी रूट और बिना किसी कस्टम रोम डाले ही वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस को आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप मेरे हाथ पर अभी देख पा रहे हो, रियलमी का जीटी नियो 2 है और इसके अंदर हमने ऑक्सीजन ओएस को इंस्टॉल कर लिया है। जैसे आप देख पा रहे हो, जितने भी फीचर आपको देखने को मिलते हैं, जैसे स्टेटस बार का आइकन हो गया, देन आपका विजेट हो गया, आइकन पैक हो गया और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अगर आपके फोन में है तो उसका भी एनिमेशन और लुक वगैरह भी चेंज हो गया है। तो ऐसे काफी सारे और भी फीचर है जो आपको वीडियो पर पता चल जाएगा और वीडियो पर हम ये भी बताएंगे कैसे आप इसको अपने फोन पर इंस्टॉल कर सकते हो। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना क्योंकि हम इस टाइप्स के वीडियो डालते हैं। सो और ज्यादा बात हम नहीं करते दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पूरा सेटअप के लिए आपको जरूरत होगा एक थीम फाइल का, जिसको मैंने बनाया हो और इस थीम फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको दो एप्लीकेशन का भी जरूरत होगा। पहला एप्लीकेशन है जो ये वन प्लस का विजेट आप लोग देख पा रहे हो इसके लिए, और एक एप्लीकेशन है जो बेसिकली है ये जो लाइव वॉलपेपर आप देख पा रहे हो इसका। तो इन दोनों एप्लीकेशन और इस थीम फाइल तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अभी फीचर्स की बात करो तो आइकॉन पैक आपको ओरिजिनल ऑक्सीजन ओएस वाला मिल जाता है, जिसके फोन में भाई गूगल का डायलर पैड और मैसेज ऐप है उनको एक दिक्कत काफी दिनों से आ रहा है। थीम अप्लाई के बाद जो गूगल का डायलर पैड और मैसेज ऐप है उसका आइकॉन का जो इंटरफेस है, मतलब आइकॉन चेंज नहीं होता था। आजकल रियलमी के जितने फोन लॉन्च हो रहे हैं उनमें से ऑलमोस्ट सभी फोन पर गूगल का डायलर पैड और मैसेज ऐप देखने को मिल रहा है। तो थीम अप्लाई के बाद जो उन दोनों आइकॉन है वो चेंज नहीं होता था, जो गूगल का डिफॉल्ट आइकॉन था दोस्तों वही देखने को आपको मिलता था पहले। लेकिन इस थीम के साथ आपको वो बग सॉल्व देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, मेरे रियलमी जीटी नियो 2 के अंदर भी जो गूगल का डायलर पैड और मैसेज वो इंस्टॉल है, लेकिन जो आइकॉन का इंटरफेस है दोस्तों वो आपको ऑक्सीजन ओएस जैसा देखने को मिल रहा है। तो ये एक बग मैंने सॉल्व किया। बाकी स्टेटस बार और नोटिफिकेशन पैनल की बात करूं तो स्टेटस बार का जितने भी आइकॉन से नेटवर्क आइकॉन, वाईफाई, बैटरी आइकॉन भी आपको जो कि वन प्लस जैसा राउंड शेप पर देखने को मिलेगा। बाकी नोटिफिकेशन पैनल का लुक तो अभी आप लोग देख ही पा रहे हो। अगर आपके फोन में रियलमी UI 2.0 है तो आपका नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। सेटिंग पैनल का लुक आपको कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है। सेटिंग में जितने भी आइकॉन है वो भी आपको ओरिजिनल वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है उस तरह देखने को मिल जाता है। अगर आप आते हो रियलमी लैब के अंदर तो इधर आपको कुछ इस तरह एक बैनर देखने को मिलता है जिस पर लिखा है ऑक्सीजन ओएस। फोन का जो डिफॉल्ट फाइल मैनेजर है उसका इंटरफेस भी आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आप देख पा रहे हो, फोल्डर का आइकॉन आपको ऑक्सीजन ओएस जैसा देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपके फोन में रियलमी का डायलर पैड और मैसेज ऐप इंस्टॉल है तो इन दोनों ऐप का इंटरफेस भी थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिलेगा। मेरे फोन पर गूगल वाला डायलर पैड और मैसेज ऐप है इसलिए कोई भी तरह चेंज देखने को नहीं मिला। लॉक स्क्रीन इधर आपको डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं, कोई भी कस्टम लॉक स्क्रीन इधर में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि कस्टम डिजाइन लॉक स्क्रीन पर लाइव वॉलपेपर काम नहीं करते। आप लोग मुझे काफी दिनों से कह रहे थे भाई ऐसा कोई थीम लाओ जिस पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एनिमेशन भी चेंज हो जाए, तो इस थीम पर आपका जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट एनिमेशन है वो भी चेंज देखने को मिलेगा। और जो एनिमेशन डाला हो वो मैं डाला हूँ वन प्लस का जो नॉट 2 पैकमैन एडिशन है उसका एनिमेशन आपको इधर देखने को मिलते है। अभी बात करते हैं कैसे आप जो थीम है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं जैसे आपको पहले बता दिया, इन थीम और दो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके फोन में जो डिफॉल्ट फाइल मैनेजर है जो रियलमी की तरफ से आते हैं उसको ओपन करना है और आपका जो डाउनलोडेड थीम है उस पर आके क्लिक कर देना है। और इधर एक बात ध्यान में रखना है, आपके फोन में जिस भी कलर ओएस या रियलमी UI वर्सन है उसके अनुसार जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं प्रॉपरली लिख दिया हूँ कि कौन से वर्सन के लिए कौन सा फाइल डाउनलोड करना है। तो आपको सिर्फ एक थीम फाइल को डाउनलोड करना है उधर से, देन आपको थीम फाइल पर जो कि क्लिक कर देना है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, नीचे आपको ट्राई मी और बाय नाउ दो ऑप्शन मिलता है, आपको ट्राई मी पर टैप कर देना है और थीम जो कि है दोस्तों अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद नीचे 5 मिनट टेल का एक पॉपअप आया, यानी 5 मिनट होने के बाद आपके फोन में कुछ इस तरह एक 5 मिनट वाला इशू आ जाएगा। लेकिन इस 5 मिनट टेल इशू को भी आप आसानी से फिक्स कर सकते हो। कैसे फिक्स करना है उसके ऊपर हमने काफी सारे वीडियो डाले है, जिसका एक लिंक मैं दोस्तों अभी आई बटन पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मैं वीडियो लिंक डाल दूंगा, आप जाके उस वीडियो जरूर चेकआउट करना। अभी आप देखिए कैसे वन प्लस का जो नेवर सेटल वाला विजेट है उसको सेटअप करना है। उसके लिए मैंने जैसे बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे दिया हुआ एक एप्लीकेशन फाइल मिलता है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हमने इस OOS विजेट का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल अभी कर रहे हैं। इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको डन का बटन मिलता है, आपको डन पर टैप करके आना है होम स्क्रीन पर और आपको होम स्क्रीन पर ऐसे पिन चिन्ह करके आपका जो डिफॉल्ट विजेट है उसको रिमूव करना है पहले। देन जाना है विजेट सेक्शन पर और थोड़ा ही नीचे वन प्लस का जो विजेट है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें से किसी भी एक विजेट आप अपने होम स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो। मैं इस वाला विजेट अभी ऐड कर रहा हूँ।
बाकी रह गया अभी वन प्लस का जो ये वॉलपेपर है वो। इसके लिए आपको वन प्लस लाइव वॉलपेपर बाई NTP इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाला हुआ है। और प्ले स्टोर से वॉलपेपर्स बाई गूगल इस एप्लीकेशन भी आपको इंस्टॉल करना है। देन दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। थोड़ा नीचे आपको एक लाइव वॉलपेपर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर टैप करना है। देन एकदम नीचे जो वन प्लस का ऑक्सीजन है उसका लाइव वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएगा। किसी भी एक वॉलपेपर आप टैप कर सकते हो। देन टैप करने के बाद नीचे अप्लाई का बटन मिलता है, उस पर टैप कर देना है और होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन बोथ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। देन बस आपका जो लाइव वॉलपेपर है दोस्तों वो भी प्रॉपरली सेटअप हो गया। अभी आप लोग देख पा रहे हो यार कितना कूल एक एनिमेशन जो कि वॉलपेपर से हमें मिल रहा है। और हमारा फोन का जो ओवरऑल लुक है दोस्तों वो भी पूरा वन प्लस का जो ऑक्सीजन है उसके जैसा हो गया। और इसके लिए ना तो हमने फोन को रूट किया और ना कोई भी कस्टम रोम वगैरह डाले। अगर आप अपने डिफॉल्ट थीम पर बैक आने चाहते हो, यानी ये जो ऑक्सीजन ओएस हमने इंस्टॉल किया है इसको रिमूव करना चाहते हो, तो वो काफी आसान है। उसके लिए आपका जो थीम स्टोर एप्लीकेशन है उसको खोलना है। देन जाना है मी पर और उसके बाद माय रिसोर्सेस, और जो पहला डिफॉल्ट थीम है दोस्तों इस पर टैप करके जो कि आपको अप्लाई कर लेना है। तो यह था आज का वीडियो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको इस थीम और वीडियो पसंद आते हैं वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट भी करना आज का थीम आपको कैसा लगा। और एक बात, मेरा जो एग्जाम चालू था वो फाइनली खत्म हो गया है, सो आपसे आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलेगा। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।